हेलो गाइस, एक बार फिर सबका स्वागत है नए व्लॉग में। एंड एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। देखिए, आज का जो प्लान है, हमारा प्लान है अपने सिस्टर घर जाने का। आपको पता होगा कि वो मेरी भांजी है, जो पंखु, मतलब पंखु हम कह देते हैं उसको, लेकिन उसका जो नाम है वो है पंखुड़ी। तो वो थोड़ी बीमार भी है, तो उसका भी देख के आएंगे। एंड आपको पता होली है, तो होली भी देख के आते हैं। आप सभी को पता होगा शायद इस चीज़ का, तो कि सिस्टर के घर होली वगैरह, मतलब जो भी त्यौहार होता है वो देख के आते हैं। तो अभी मैं और मेरी वाइफ दोनों जाएंगे, तो मैं नहा चुका हूँ, लेकिन बस कपड़े चेंज करने हैं एंड इसके बाद फिर निकलते हैं। तो आगे का दिखाता हूँ आपका, और पंखों से मिलवाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए किसी वीडियो में आपको शायद वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी वो अपने घर पे है। यहाँ आते तब बनाते वीडियो, तो आज उसके घर पर जाएंगे और देखते हैं कैसा है, क्या कुछ है, क्योंकि बीमार है ना थोड़ी, तो देखते हैं जाके। तो चलिए चलते हैं। हो चुका हूँ मैं रेडी, अभी बताओ मैं लग कैसा रहा हूँ। ऊपर से नीचे तक दिखाते बढ़िया रहा, बाकी मैंने तो लग रही बढ़िया। चलो चल। ये इसकी ड्रेस है भाई, गेट खोल दे, गेट काम कराया कर। तो हम चल चुके हैं एंड अभी ये रास्ते में चश्मे देखो कैसे लग रही है, बताओ चश्मे लगा कैसे भाई। मैंने तो लग रहा बढ़िया, एकदम जच रहा है। आप और कमेंट करके बताना चश्मा आया कैसा। बस थोड़ा बड़ा है मेरे फेस पे, मेरा मुंह छोटा है। पहली फिल्म आया करती, पुरानी फिल्म आया करती, उनमें एक्टर नहीं पहना करती ऐसा ये। बड़ा बड़ा चश्मा, वे नाम तो भूल गो, हाँ अर्चना, अर्चना ना है पूर्ण सिंह जो इसमें कपिल शर्मा का शो में जज बन रही है जो, हाँ। वो पा रहा है, ये गाय कहाँ था गया, वो पहरा करती अपनी फिल्मों में ऐसा चश्मा बड़ा बड़ा। तो अभी हम भाई घर से निकले, बस थोड़ी दूरी पहुंचे हैं, यानी कि कौन सा गाँव, ताजनगर, इस गाँव में पहुंचे अभी। वैसे चश्मे तो मेरे हैं, जिसने तो वैसे ट्राई कर लिया था। अब मेरे पे बताओ सूट किस पे कर रहे थे, इस पे कर रहे थे सूट या मेरे पे कर रहे थे, कमेंट में जरूर बताइए भाई। हाँ, कमेंट करो और भाई लाइक जरूर करा करो, और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल तो वो भी कर दो, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया व्लॉग देखने को मिलेगा, गाड़ियों की वीडियो देखने को मिलेंगी। अब हम मिलेंगे आपको डायरेक्ट कहाँ, रास्ते में कुछ सामान लेना बस, और तो कुछ ना लेना, सब सामान ले लिया बस रास्ते से ना, थोड़ा फ्रूट लेने हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिस्टर वगैरह के या बुआ के घर जाते हैं ना, तो भाई फल फ्रूट लेके जाते हैं, हमारे इधर तो है यही रिवाज, बाकी दूसरी जगह का मुझे भी नहीं पता। तो अब रास्ते में लेंगे हम कहाँ से, बिलासपुर से अभी जाएंगे कहाँ, पचगावा, जो नेशनल हाईवे 8 है उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे धारवेड़ा के लिए। देख देख ड्राइवर, देख कितना भयंकर है, ऐसा ऐसा ड्राइवर है, फ्लाई ओवर है रेलवे स्टेशन के ऊपर, जहाँ कट है ना कर्व है वहाँ भी ओवरटेक मार रहा है, इनका तो पकड़ के जूता जूता मारे ऐसा के। तो वहाँ तो फल फ्रूट लेके फिर निकला, क्योंकि धारवेड़ा जाना, मैं धारवेड़ा मतलब क्रॉस करना थोड़ा सा, धारवेड़ा टच में ही है, तो अगर नीचे से जाएंगे धारवेड़ा में तो फिर जाम इतना रहता है वहाँ पे ना, फंस जाते फिर, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना सामान लेके जाना ना अपना पहले ही ले जाएं, ताकि हमें धारवेड़ा का जो फ्लाई ओवर है वो ऊपर से ही क्रॉस कर जाए, नीचे ना उतरना पड़े, क्योंकि नीचे उतरने में ना फिर टाइम लग जाता है। ये मंदिर है, और एक यहाँ पे पता ना पानी क्यों भर रखे है, बारिश में ना हो रही, दूसरी रॉन्ग साइड है। अच्छा फिर आगे ट्रक खड़े नहीं रहा, फूट ना रहे वैसे, लेकिन ये पानी भरो है, कोई समाधान ही ना है इसको। बीच में कटना है, बीच में कटना, फिर डायरेक्ट वहीं जाके है जमालपुरी निकलो सीधे, कोई कट नहीं है। अब जो डेली आओ ना पता कि ना फूट रहो कहीं तो, और यहाँ से मन लगा फूट रहो है पूरे खड़े हो, मन देखो तो इस साइड देख लो, हाँ मन भी याद से कुछ। भाई बहुत बुरा हाल है, ये रोड सारा टूट गया, पानी भर भर गया यहाँ, ये ताजनगर गांव का जो फ्लाई ओवर इसके बाद है, पता ना पानी क्यों भर रहा है ना, बारिश हो रही है अब तो, फिर भी ये इनका ही पानी, आ जाओ वेयर हाउस में कह रहे यार यहाँ जो जो बना हुआ है इनका पानी सीधा रोड पर आवे। वैसे मास्क का चलाना काट तो नहीं रहे, लेकिन मास्क चलाना भी भूल गए हम, कभी कोई रुकवा ले देखेंगे, कहते सारी हवाबाजी निकल जाए बाहर।
मैं लगाऊ थारा चश्मे गाना जब मास्क कहाँ है, बाकी काट ना रहे मास्क चलान, क्योंकि अब पुलिस वाला खुद ही मास्क ना लगाई रखे, और फिर अब तो जरूरत भी ना है यार मास्क की, क्योंकि एक तो दोनों वैक्सीन लग ली और अब है भी ना कोरोना, कोरोना गया सब लहर वहर थी जा ली, तो लहर आ रही है अब ना, अभी इंडिया मना कर दी, इंडिया तो आ रही है, इंडिया में चौथी लहर नहीं आएगी ऐसी न्यूज आई मैंने देखी खुद, क्योंकि अब की बार जो लहर थोड़ी थी अब की बार कौन इतनी कोई ज्यादा कोई सीरियस कुछ ना था, बस सिर्फ पॉजिटिव होगा तो होगा लेकिन कोई दिक्कत ना होगी उनको कभी भी, तो यहाँ से हम कर लेते क्रॉस ये चौक, और भाई ये जमालपुर चौक है यहाँ भी अब थोड़े दिन में ना वो बन जाएगा नेशनल हाईवे, सारी दुकान वगैरह फोड़ दी, ये तस्वीर बदल जाएगी इस चौक की बिल्कुल खत्म कर देगा, ये सब दुकान दे फुटन लग दे ये सब दुकान आ गई, बेचारा रोजी रोटी भी खराब होगी इनकी अब, क्योंकि रोड निकलेगा ना यहाँ गोल चक्कर बनेगा, पता ना फ्लाईओवर बनेगा जो भी बनेगा, क्योंकि चौराया है तो जगह ज्यादा चाहिए यार, सारी दुकान फोड़ दी, और अब जिसकी दुकान फूट गई अब कुछ कितने दिन से भाई यहाँ पे अपना काम जमा रखा था, क्योंकि आपको पता ना जहाँ काम जमाने में बहुत टाइम लगता है, अब उसकी सारी मेहनत खराब है, अब उसको बिल्कुल बाहर निकल के ही दुकान लेनी पड़ेगी, समोसा बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखा कौन सा है, मन्नत फिर दूसरी साइड पड़ जाए देख आता वक्त देख ला, क्योंकि अब भाई जिस साइड हम जाएंगे ना हम जाएंगे जयपुर की तरफ, और मन्नत जो ढाबा है बढ़िया है एकदम, एक ओल्ड राव भी है, अब वो पढ़ते दोनों जब जब हम गुड़गांव यानी कि जयपुर से हम जब वापिस आएंगे जयपुर की तरफ से गुड़गांव की तरफ उस लाइन में पढ़ते हैं वो, तो इसलिए फिर रोंग जाने में रास्ता तो है जाने का लेकिन इच्छा नहीं करती रोंग जाने की, रोंग साइड जाओ उसके नीचे से फिर वापिस आओ फिर दोबारा से अपने उस पर जाओ, तो इसलिए अवॉइड करता हूँ मैं इस चीज़ें, ये भाई नेशनल हाईवे 8, तो बस थोड़ा सा दिखाया था आपको, काफ़ी ज़्यादा बेकार रोड है, पता नहीं कब सुधरेगा, अब बाकी जाना पड़ता हमें यहीं से, बाकी ठीक है चलो पहुँचते हैं, पंख मिल गया हमने, यू के तरीको है कुकु ये बा कहां भाग गई, भाग गई आए तो करते ए आए तो करते, तेरा फैन नु कह रहा है पंखो ना दिख रही घणा दिन ते करी आए साफ कर दे, तुम्हारा बोल तो है ना सकल ये री पंख भाई ये री ये पकोड़ा बना दे, नुक्का का खाओ पनीर का खाओ का गोभी का, भाई भाई बनाई मार मेरा पनीर का या गोभी का ठीक कर दे शुरू कर दे, ये गोभी और ये पनीर ठीक है, तेल तो डाल पकोड़ा क्या बनेगा, तेल मत ले ले गैस चला सिलेंडर खा ली इतना है भरवाए तो भरवाए तो सिलेंडर दोनों सर पे भरे हो गए, ये बरगो 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 ठीक है, अरे भैया बनेगा, अरे ढक्का पकोड़ा कौन बनाएगा पहले खड़की, चम्मच चम्मच कहाँ है, पकोड़ा का दरकार डाल हाथ ही जल जगह होगा त्यार, ले थोड़ा सा प्लेट मुनी मम्मी दे दे सॉस तो डाल है मैं ऐसे कैसे खाऊं, ये डाल और ये और मम्मी दे पनीर दिया रही पनीर पनीर का मेरा यहाँ रख दे, मेरा किस चीज का है पंगू गोभी का और मामा पनीर का खाऊं, मैं तो गोभी का देर मत पनीर का खाऊंगी, ये ले ले पनीर का ले ले दर्द है, ये आपने गोभी के बोली थी तो मैंने गोभी का बना दिया, मैंने गोभी का अच्छा लगा पनीर का खाऊंगी मैं तो, ना ये पनीर का मामा का दर्द मेरा दर्द नहीं इच्छा, ठीक है अपना मेरा ना है ना, एक नहीं बनाया तेरे, नहीं बनाया ठीक है, मतलब
इतने समोसा नहीं खाओ, इतने नहीं जाओ। अंत रोटी भी यही खाकर जाओ आज। तेरे पापा का पनीर मंगा ले। ए! समोसा मंगा दे। समोसा मंगा दे रहा। समोसा ये खा लियो। पनीर की कह रहे ये। आए बड़ा पनीर वाला। अरे तो पनीर सब्जी ना बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और क्या? पनीर दुकान पर कर लिया खुलगी। पनीर दुकान में पापा मतलब खाया करो, पनीर खा ले चाहे समोसा खा ले। हाँ। बस हाँ। हम समोसा खाऊंगा, तेरे नानक पनीर की सब्जी ले जाऊंगी। तो ऐसे बना लिया बड़ा घर, मैं ना बनाऊ यही खा कर जाऊंगी और लेके भी जाऊंगी नानक की। पूरे खाओगे आज रोटी है ना, जाओ सामने जाओगे एक बारी। जब तेरे बाबू और पापा जाओ ना, जब जाएगा रोटी राटी खाएगा जब जाओगे। ठीक है तो जब भी चला जाए इस वक्त में ना होटल में पंखु ने समोसा तो खवा दिया। खाते अमरजवाड़ा में जा रहा है। ए पंखु समोसा खवाते ना, बहुत बहुत धन्यवाद तेरो। ठीक है ये पनीर मंगा ले फटाफट, चिल्ली पोटैटो ना सुन रही। तो भाई हम आ चुके हैं उसके घर से वापस, पंखू घर से, और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो देखा अपने एक्टिंग कैसी पंखू की है भाई, बहुत ज़्यादा बोलती है, कुछ भी बोल देती है। और ये खा रही है अपनी सॉफ्टी, रास्ते में दिख गया उन्होंने ना ये लेनी पड़ेगी, खाएंगे ठीक है चलो, खर्चा घर नहीं रहा भाई। तो कैसा लगा वो लोग एक बार कमेंट करना, और जो चश्मे वाली बात थी वो बताना किस पे ज़्यादा शूट कर रहा था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।